अस्सलाम वालेकुम। सिराज लाइफ स्टाइल में आज हम बनाने जा रहे हैं देसी चिकन बिहारी स्टाइल में। तो इसको जो बहुत ही ज्यादा आसान है और बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे बिहार में बनकर रेडी होता है बिहार के गांव में, उस तरह से हम बनाकर आज देखेंगे। तो ये हमने तकरीबन 2.5 किलो देसी चिकन ले लिया है, इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद में इसके इस तरह से पीसेस बना लें। देखें आप, बिहार में कभी खाए हैं क्या इसको? हाँ, बिहार जब गए थे वहाँ खाया था, तभी तो इसका टेस्ट हमको मालूम है और इसकी रेसिपी भी हमने वहाँ पर देखी और मुझको अच्छी लगी और बहुत मजे का होता है और बिल्कुल अलग तरीके से बनता है। मतलब आप देखेंगे कि इसके अंदर सारी चीजें बिल्कुल अलग तरीके से पड़ेंगी और बहुत जायके का बनकर तैयार होगा। और इसका असल टेस्ट मिट्टी के चूल्हे पर आता है, तो जरा चूल्हे की तरफ दिखाएं। इस तरह से हमने मिट्टी का चूल्हा भी रेडी कर लिया है और इसको हम खुले बर्तन में बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलिए पहले हम चूल्हा जला लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। इसको देसी मुर्गे से बना सकते हैं? देसी मुर्गे से? देसी चिकन से बना सकते हैं? नहीं, आप फार्मेसी भी बना सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो देसी चिकन से ही अच्छा आता है, क्योंकि ये बिहारी चिकन है तो देसी चिकन से ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो आप बना तो इसको फार्मी से भी सकते हैं, लेकिन अब हम चूल्हा जलाने की तैयारी कर लेते हैं। सबके पास देसी चिकन नहीं है तो फार्मी से? तो वो फार्मी से भी बना सकते हैं। फार्मी चिकन के लिए हम स्टेप बाय स्टेप, अच्छा कि आपने बता दिया, हम बताते रहेंगे कि कितनी देर तक कि आप इसको बनाएं कि वो गले ना। तो इस वजह से आप करने क्या जा रहे हैं? अब हम चूल्हा जलाने जा रहे हैं, चूल्हा जलाने की तैयारी करने जा रहे हैं। तो मिट्टी का चूल्हा हम तो था नहीं, इस वजह से हमने ईंटे का जोड़ के इस तरह से चूल्हा बना लिया, जैसा कि शादी ब्याह में लोग बनाते हैं। और इसको जलाने की तैयारी कर रहे हैं। जल जाएगा? क्यों नहीं जलेगा, इंशाल्लाह जलेगा, क्या दौड़ेगा ये। देखिए आग हमारी जलकर रेडी हो गई है, अब हम इसके ऊपर चढ़ा देते हैं कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई काली तो नहीं होगी? कढ़ाई काली कैसे होगी? जब भी आप किसी भी चूल्हे के बर्तन पे खाना बनाए तो नीचे आप इस तरह से सर्फ लगा लें या मिट्टी लगा लें तो कभी काली नहीं होगी। तो कढ़ाई का पहले पानी जल जाने देते हैं, फिर इसके अंदर हम तेल डालते हैं। तो खैर, जब तक कि उसका पानी जल रहा है, हम इस चिकन के अंदर थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालकर इसको मैरिनेट कर लेते हैं। और इसको अच्छे से हम मैरिनेट कर लेंगे, क्योंकि बिहारी चिकन है, हमने आपसे पहले बताया था, थोड़ा इसका तरीका अलग है बनाने का। तो इस तरह से हम इसके ऊपर हल्दी की कोटिंग कर देंगे, क्योंकि यही इसका ट्रेडिशनल तरीका है बिहारी चिकन बनाने का, कि इसके ऊपर हल्दी की कोटिंग जरूर होती है, उससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। और हल्दी वैसे भी एंटीबायोटिक होती है, तो हो सकता है कि जो हम लोग बनाते हैं तो चिकन को पहले एंटीबायोटिक कर लेते हो तो फिर बनाते हो। तो खैर, उस तरह से हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले इसके ऊपर हल्दी लगा देते हैं। तो हल्दी की हमने कोटिंग कर ली है और चिकन को साफ करके धो लिया था। तो आप भी एक काम करें कि चिकन लाने के बाद साफ करके धो लें, क्योंकि धोना मस्ट है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसके ऊपर हल्दी की कोटिंग कर दी है। कढ़ाई का जब पानी हमारा ड्राई हो गया था, तो हमने उसके अंदर तकरीबन 250 ml से ज्यादा सरसों का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल। आप इसको रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका असल मजा जो है वो सरसों के तेल के साथ में, मतलब मस्टर्ड ऑयल के साथ में। तो जब तक कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है, और इसकी पहचान ये मस्टर्ड ऑयल की कि जब इसमें से धुआं निकलने लगे तब आप समझ लें तेल आपका अच्छा सा हो गया है। तो जब तक कि तेल हो रहा है, तब तक कि हम कुछ मसालों को अपने कूट लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ मसाले कूटे पड़ते हैं। 2.5 किलो तकरीबन चिकन है, तो हमने देख लें 2 से 3 गांठ के बराबर अदरक लिया है, इसको डाल देना है। 1 लहसुन पूरा जया था, उसको इस तरह से हमने छील लिया था, उसको ले लेना है, उसको डाल दे, गिरो ना भाई, उसको डाल देना है। और तकरीबन 5 से 6 हरे मिर्चे, क्योंकि हरे मिर्चे तो जान है इसकी, तो 5 से 6 हम हरे मिर्चे ले लेंगे। उनकी भी डंठल इस तरह से तोड़कर उनको भी डाल देंगे, और इसका दरदरा सा पेस्ट हम कूट लेंगे, क्योंकि इसको कूटना ज़रूरी है। ये डालने के बाद में इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। अच्छा, कूटना हमको मोटा है, और अगर आप इसको मिक्सर में भी ग्राइंड कर रहे हैं तो दरदरा ग्राइंड करिएगा, महीन ना होने पाइए, इसका पेस्ट ना बने। हाँ, कूटने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है ना, तो इसी वजह से। तो इसको हमने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखा है इसका। नहीं नहीं, पीस सकते हैं मिक्सर में, लेकिन ये है कि मतलब आप देखें, इस तरह से हमने इसको कूट लिया है, और ये देखें कितना दरदरा सा इसका पेस्ट तैयार हुआ है। ऐसे हमको अगर हम ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर रहे हैं तो इस तरह से हमें दरदरा पेस्ट चाहिए, फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, ठीक है ना। और देखें, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, धुआं निकलने लगा है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपने चिकन को डालेंगे, और 1.5 से 2 मिनट तक की चिकन को फ्राई करना है हमें। तो
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो से तीन मिनट तक में इसको फ्राई करना है और हाथ बचा के आप डालें क्योंकि तेल गर्म है ना, तो इसलिए चिकन डाल दिया है। देखिए डेढ़ से दो मिनट हो गए हैं, अब हम चिकन को निकाल लेंगे। देखिए इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर भी चिकन के ऊपर आ गया है। इस तरह से हमें चिकन के ऊपर कलर आने तक की इसको, लेग पीस कितनी लंबी है, ये लेग पीस लंबी है, देसी मुर्गा है तो इसलिए हमें थोड़ा सा नीचे बहुत ज्यादा लंबा था क्या, हाँ मुर्गा लंबा था तो इस वजह से इसकी लेग पीस भी लंबी है। अब हम इसको निकाल के अलग कर लेते हैं। देखिए चिकन हमारा तेल से फ्राई होकर हमने अलग निकाल लिया है। तेल हमारा देखिए अच्छा सा हो रहा है, तेल हमारा अच्छे से फिर से गर्म हो जाए तो हमें इसके अंदर गर्म मसाले डालने हैं खड़े। हमने ले लिया सूखा मिर्चा, दो से तीन सूखे मिर्चे ले लिए, तीन से चार तेज पत्ता ले लिया है, एक टीस्पून इसके अंदर जीरा ले लिया है, दो से तीन हमने छोटी इलायची ले ली है, दो से तीन बड़ी इलायची है, काली मिर्च है और लकड़ी का एक टुकड़ा है, इसको हम तेल के अंदर डाल देंगे। जब इलायची और जीरा हमारा महक करने लगेगा तब हम इसके अंदर डालेंगे। तकरीबन ढाई किलो चिकन के अंदर हमने 700 से 800 ग्राम तक की कटी हुई प्याज ली है। इस तरह से आपने प्याज के स्लाइसेस बना लेना है, उनको डाल देंगे और प्याज हमारी अच्छी सी गल जाए और ग्रेवी के अंदर जो है खड़ी खड़ी प्याज ना रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर नमक डाल देंगे अभी से। तकरीबन हम इसके अंदर अभी डालेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा से ज्यादा नमक, बाकी ग्रेवी में बाद में डालेंगे, तो इस वजह से नमक आप जो भी डालना है उसका आधा नमक अभी आप प्याज में डाल दें, आधा बाद में डाल दें। तो इस तरह से हमें नमक को अच्छी तरीके से प्याज में मिला लेना है ताकि प्याज हमारी गल जाए और 3 से 4-5 मिनट लगेगा इसको चलाते हुए, प्याज हमारी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, फिर देखते हैं कि बिहारी चिकन में हमें और क्या क्या डालना है। देखिए 6 से 7 मिनट हो गए हमें प्याज को भूनते हुए तेल में और प्याज भी हमारी अच्छी सी गलने पे आ गई है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमने लहसुन और अदरक और हरा मिर्चा कूटा था उसको भी हम इस तरह से निकाल कर इसको भी डाल देंगे और इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा होगा। देखें इस तरह से हमें इसको भी डाल देना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बिहारी चिकन की जान और शान, जिससे बिहारी चिकन मशहूर है और खाने में भी अच्छा होता है और टेस्टी होता है। तो इस तरह से हमने 3 बड़े जय लहसुन के ले लिए, देसी लहसुन है। इस तरह से आप उसको साफ कर लें, ऊपर का छिलका निकाल लें और पीछे की जड़ आप देखें इस तरह से छुरी से हमने काट दिए और इसको भी हम डाल देते हैं। तो ये खड़े लहसुन, बिहारी रेसिपी में खड़े लहसुन जरूर पड़ते हैं, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये डालने के बाद में हम इसको ढक्कन बंद करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक की और पकाएंगे ताकि ये लहसुन का और हरे मिर्चे का टेस्ट और फ्लेवर जो है वो पूरी प्याज में रच बस जाए। तो हम इसके को बंद कर देंगे ढक्कन तकरीबन 2 से 3 मिनट तक की। फिर देखिए 4 से 5 मिनट हो गए थे, इस तरह से हमारी प्याज लहसुन सब अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन, जो है हमें सबर रखना पड़ेगा और बहुत इत्मीनान से इंशाल्लाह होगा। तो ये देखिए हमने देसी चिकन भी डाल लिया इसके अंदर और डालने के बाद में प्याज को और लहसुन अदरक को अच्छे से मिला लेंगे। जब ये सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिल जाएंगी तो हमें इसके अंदर सूखे पिसे हुए मसाले डाल। देखिए 2 टीस्पून हमने इसके अंदर धनिया पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है और फ्राई करते वक्त इसके अंदर सूखा मिर्चा भी डाला था, इनको डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको डालने के बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक डालना है, 1/2 टीस्पून हम पहले डाल चुके थे, 1 टीस्पून अभी हम और डाल देते हैं, बाकी बाद में चेक करेंगे। और मसाला हमारा जले ना, इसके लिए हम तकरीबन 50 ml से 100 ml के आसपास पानी डाल देंगे और इसको खूब अच्छे से मिला देंगे ताकि मसाले के साथ में हमारा चिकन खूब अच्छे से रच। देखें कितना अच्छा सा कलर अभी से आना शुरू हो गया। तो इस तरह से इसको हमें लो फ्लेम पर, मीडियम पर नहीं, लो फ्लेम पर, लो मीडियम पर हमें इसको तकरीबन तब तक भूनना है जब तक कि हमारा मसाला और चिकन अच्छे से भून न जाए। देखिए 8 से 9 मिनट तक की मीडियम फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से भूना है। देखिए मसाले सारे अच्छे से भून गए हैं, प्याज अच्छे से भून गई है और चिकन देखें कितना अच्छा सा लग रहा है, कलर भी कितना अच्छा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी डालने से पहले हम इसके अंदर थोड़ी सी जौतरी लेंगे, इसको इस तरह से हल्के से हाथ से क्रश कर देंगे, इसको डाल देंगे क्योंकि अपने को अब कोई मसाले नहीं डालने हैं। और थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा हम जायफल का लेंगे
और कद्दूकश से लेके इस तरह से हम कद्दूकश कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर जायफल का हल्का सा फ्लेवर आ जाएगा बस। बाकी हमें अब और कोई भी गरम मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हमें जितनी थिक और जितनी रनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। तकरीबन हमने 2.5 किलो चिकन के अंदर आधा किलो से ऊपर पानी डाला। पानी आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कितनी ग्रेवी थिक चाहिए, रनी चाहिए। अभी हमने देखिए इतना पानी डाला, और पानी डालने के बाद में इसको हम बंद कर देंगे मीडियम फ्लेम पर। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट तक की धीरे धीरे होने देंगे, ढक्कन खोल के नहीं देखना है हमें। और क्योंकि देसी मुर्गा है ना, तो इस वजह से इसके अंदर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा गलने में। थोड़ा सा पानी हम और डाल देते हैं, और इसको कुकर में भी गला सकते हैं। हाँ, कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बिहारी चिकन का मिट्टी के चूल्हे पर ही है, तो इस वजह से आप बेहतर है कि अगर आपको अच्छे टेस्ट में चाहिए, आप बिहार में जाएंगे तो आपको इसमें हम फ्राई करके भून कर अगर चाहे तो कुकर में ही गला सकते हैं। हाँ, गल जाएगा फ्राई करके, लेकिन फिर वो मजा नहीं आएगा जो मजा इसका मट से है। और हम ढक्कन को बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करने के बाद में 15 से 20 मिनट बाद फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए 20 मिनट हो गए हमें, 20 मिनट तक की हमने इसको मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे होने दिया था। अब देखते हैं कि किस कंडीशन पर पहुंचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तो क्या ही कहना है, मतलब इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि हम बता नहीं सकते, और पीस भी हमारे गल गए हैं। देखिए ये देखिए लेग पीस का पीस जो है, देखिए अलग हो गया है खुद से। इसकी पहचान क्या है? पहचान ये देखें, आप खुद देखें पीस सारे खुल गए हैं। और ये लहसुन देखें कितना अच्छा सा हुआ है, यमी सा लहसुन भी हो गया है। तो ये है असल बिहारी चिकन बनाने की रेसिपी। और अगर आपको मेरी ये बिहारी चिकन बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में शेयर करिए। और जो हमारे नए व्यूवर्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और देखें आप ग्रेवी, ग्रेवी की थिकनेस देखें आप, कितनी अच्छी सी ग्रेवी हुई है। और इसी तरह से हम आपके लिए अच्छी, बिल्कुल सब कुछ गल गई है। आप देखें इसके अंदर कहीं प्याज का नामो निशान नहीं रहा है। और इसी तरह से हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।